यार ये क्या होता है 2D, 2.5D, 3D कव ग्लासेस मोबाइल फोन्स में? हेलो नमस्ते, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिटेक गुरुजी। तो दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको मोबाइल फोन्स में जो 2D, 2.5D कर्व ग्लासेस, 3D ग्लासेस क्या होते हैं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। ये एक्चुअली होता क्या है, कंपनी क्यों इसको स्पेसिफाई करता है, क्या इसका वर्क रहता है, कैसे बनाते हैं, बेनिफिट्स का क्या रहता है। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखेंगे तो मुझे लगता है आपका भी जो ये डाउट है, जो इसे 2D, 2.5D और 3D के ग्लासेस, मोबाइल के ग्लासेस के बारे में सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं 2D ग्लासेस की। तो 2D ग्लास क्या होता है? 2D एक टू डायमेंशनल ग्लास होता है। 2D ग्लासेस में कैसा रहता है, एक्स और वाई के एक्सिस पे रहता है, लेकिन वो ग्लास कैसा रहता है, पूरा स्ट्रेट ग्लास रहता है दोस्तों, पूरा प्लेन ग्लास रहता है, कहीं से भी कुछ नहीं रहता, चैम्फर कहीं से भी नहीं रहेगा, पूरा एक स्क्वायर टाइप ग्लास रहेगा। ये एक सिंपल ग्लास है और इसकी जो कॉस्टिंग रहती है वो भी बहुत कम है। जो भी पुराने फोन आते थे वो 2D ग्लासेस में ही आते थे, जो भी स्मार्टफोन पुराने बने हैं वो भी उसी टाइप के बने हैं, इसके लिए उतना कॉस्टली भी नहीं करता था। दोस्तों, अब बात करूं 2.5D ग्लास के बारे में, तो 2.5D ग्लास तो आप बोल सकते हैं यार ये कौन सा डायमेंशनल हो गया, हमने तो 2D डायमेंशनल सुना है और 3D डायमेंशनल सुना है। एक्स वाई जेड एक्सिस का 3D होता है और एक्स और वाई का 2D होता है। अभी 2.5D कहां से आ गया? एक्चुअली 2.5D कोई ऐसा कुछ ये नहीं है कि 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल के बीच में, ये उन्होंने एक ऐसा ही नाम दे दिया है। और ये एक्चुअली इसको 2D 2.5D जो कर्व ग्लासेस रहता है उसको हम सुडो 3D डायमेंशनल ग्लासेस भी बोल सकते हैं। सुडो मतलब फॉल्स डायमेंशनल, मतलब फॉल्स 3D डायमेंशनल ग्लासेस। अब 2D का ग्लास कैसा रहता है दोस्तों? 2D में कैसा रहता है, जो ग्लास रहता है वो भी पूरा प्लेन रहता है, बट जो उसके एजेस रहते हैं वो थोड़े से चैम्फर्ड रहते हैं। चैम्फर्ड मतलब हल्का सा कर्व्ड रहता है। जैसे ये जो ग्लास हो गया स्क्वायर ग्लासेस, तो उसके जो भी कॉर्नर, चारों के कॉर्नर साइड हो गए वो एजेस में रहता है, मतलब ऐसा पूरा ये कर्वी जो एजेस रहता है उसका बहुत ही मतलब तीखे एजेस नहीं रहते, निकले हुए नहीं रहते, वो कर्व में रहता है चारों साइड से, जो कि एक अच्छा फिनिशिंग देता है 2D ग्लासेस में। इसका जो कैसे बनता है बेनिफिट उसका बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले 3D की बात कर ले। तो 3D डायमेंशनल ग्लासेस तो आप लोगों को सब पता ही होगा, एक्स और वाई और जेड एक्सिस पे बना रहता है। 3D डायमेंशनल में क्या होता है दोस्तों, ये 2D के और एक्सटेंशन में है। 2D में कैसा है, खाली एजेस कर्व रहते हैं, इसमें दोस्तों एजेस तो कर्व रहते ही है, बट जो साइड के जो पोर्शन है 2D 3D जो ग्लास के साइड के पोर्शन वो भी पूरे कर्व रहते हैं दोस्तों, मतलब कि पूरा अलग ही एक्सपीरियंस आपको ऑल टू ऑल मिलेगा। ये है 3D और 2D और 2.5D ग्लासेस के बारे में। बताता हूँ कि ये कैसे बनाया जाता है, हाउ इट इज मेड। अब 2D ग्लास का कैसा रहता है, खाली एक नॉर्मल ग्लास लेते हैं, प्लेन ग्लास लेते हैं, बस उसको ही फिट करते हैं। और 2.5D में कैसा रहता है, जो एजेस रहता है उसको कर्व किया जाता है, उसको कर्व करने का थोड़ा सा अच्छा फिनिशिंग दिया जाता है, फिर उसको उसमें फिट किया जाता है जो भी नॉर्मल ग्लासेस में रहता है। अब 3D ग्लासेस का कहता रहता है, 3D ग्लासेस जैसे मैंने बताया कि वो एजेस तो कर्व करते ही है, बट उसको भी पूरा कर्व कर दिया जाता है, जो उसके साइड के पोर्शन रहते हैं वो भी पूरा एक तरीके से कर्व्ड हो जाता है। तो इसके ये 3D ग्लासेस को ऐसे बनाया जाता है और उसको फिर उसमें फिट किया जा सकता है। हम 2D ग्लासेस को 3D में नहीं फिट कर सकते हैं दोस्तों। 3D को हम भले ही मतलब जो ऐसा रहता है कि हम नीचे से ऊपर नहीं जा सकते हैं, ऊपर से नीचे आ सकते हैं। 3D को 2.5D में लगा सकते हैं, 2.5D को 2D ग्लासेस में लगा सकते हैं, लेकिन 2D को आप 2.5D में नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, बेनिफिट्स क्या रहता है ये 2D 2.5D कर्व ग्लासेस 3D ग्लासेस के? तो बेनिफिट्स ये है कि 2D ग्लास जो रहता है उसका जो टचिंग जो सेंसर रहता है वो बहुत ही हार्ड टच रहता है, हमको ऐसे दबा के करना पड़ता। जो भी पुराने आप देखे रहेंगे स्मार्टफोन नोकिया के जो आते थे, 52 33 जो भी आता था, उसको ऐसे दबा के आपको प्रेस करना था, वो साइड से आप नहीं कर सकते, पूरा आपको साइड से लेके खींचना पड़ता था। तो ये 2.5D का बेनिफिट्स उतना कुछ खास है नहीं, लेकिन पहले के जमाने में उतना भी आ गया था तो भी बड़ी बात है। 2.5D की बताओ तो 2.5D का कैसा है, थोड़ा जो एजेस है वो कभी दिया है, तो हमको अगर हल्का सा भी साइड से करेंगे तो भी वो मतलब कि स्क्रीन को जो भी प्लेस करना रहेगा उसके लिए ठीक है। तो 2.5D का ये बेनिफिट है कि हल्का सा भी अगर ऐसा पुश करते हैं अपने हाथ से स्क्रीन के ऊपर तो वो फटाक से मतलब पेजेस हट जाता है। अब 3D की बात करो तो 3D में तो कैसा, अगर आप ये साइड से भी अगर उसको ऐसे करते हैं, साइड से बस इतना हल्का पुश भी देंगे तो वो पूरा पेज पलट जाता है। तो 3D ग्लासेस की तो डिफरेंस मतलब अलग ही होगा, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी S6 एजेस में है, S6 एज के जो फोन डिवाइसेस में है, तो आप साइड से भी करेंगे ना दोस्तों तो भी साइड से वो हट जाता है पेजेस, क्योंकि वो पूरा कर्व ही रहता है, साइड के पोर्शन भी उसके पूरा डायमेंशनल पूरे कर्व ही रहते हैं दोस्तों।
तो मैं समझता हूँ कि मेरे जितने भी व्यूवर्स जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनके सारे जो भी डाउट्स है 2D 2.5D क्लासेस 3D क्लासेस के बारे में आज सारे भी डाउट उनके मिट गए होंगे। और जो भी कर्व के फोटोज जो भी रहेंगे 2D 2.5D 3D कैसे कर्व रहता है कि प्लेन कैसा सिंपल रहता है 2D का 2.5D का कर्व कैसा रहता है और 3D का कैसा पूरा कर्व रहता है वो आपको यहाँ पे फोटो दिखेगा। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा कि कैसा वो दिखता है कि 2D 2.5D 3D कर्व क्लासेस में। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो फिर भी अगर कोई डाउट हो सुझाव देना हो कुछ बताना हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा और मैं जरूर से जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो 2D 2.5D 3D ग्लासेस के बारे में बताया कि आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और लाल बटन को जरूर से जरूर दबाना। कौन सा लाल बटन? जी हाँ, सब्सक्राइब का लाल बटन जरूर से जरूर दबाना। अभी टेक गुरु जी के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे ही रोजाना वीडियो आपके साथ लाता रहूंगा। तब तक के लिए बोलते रहिए जय हिंद।